आज सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ईसा मसीह ने दिखा दिया कि मानव का उत्थान हो सकता, और उस उत्थान के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो उनको क्रूस पर चढ़ाया गया उसमें भी एक बड़ा अर्थ कि क्रूस पर टांग कर उनकी हत्या की गई और क्रूस आज्ञा चक्र पे एक स्वस्तिक का ही स्वरूप है, उसी पर टांग करके और ईसा मसीह वहीं पे गत प्राण। उस वक्त उन्होंने जो बातें कही उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मां का इंतजार, मां की ओर नजर करो। उसका अर्थ कोई कुछ भी लिखा है पर दिखाई देता है कि उन्होंने ये बात कही कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी शक्ति भेजूंगा जिसके तीन अंगों को त्रिगुणात्मक हो, और उसका वर्णन बहुत सुंदरता से किया है कि एक शक्ति होगी वो आपको आराम देगी। आराम देने वाली शक्ति हमारे अंदर जो है वो है महाकाल की शक्ति, जिससे हमें आराम मिलता है, जिससे हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, जिससे अनेक प्रश्न जो हमारे भूतकाल के हैं वो सही हो जाते हैं। दूसरी शक्ति उन्होंने दी थी, जो भेजी उन्होंने, वो थी महासरस्वती। सो महासरस्वती उन्होंने काउंसिलर का, माने जो आपको समझाएगी, उपदेश करेगी, जैसा वर्णन योग निरूपण कराएगी। यह दूसरी शक्ति से जिससे हम ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त होगा। और तीसरी शक्ति महालक्ष्मी की, जिससे कि हम अपने उत्थान को प्राप्त होंगे, रिडम्पशन। इस प्रकार तीन शक्तियों की उन्होंने बात की थी, और बुद्ध ने भी कहा था कि मैं तुम्हें मात्रया भेजू, माने तीन तरह की मां, तीन तरह की माता या माताएं एकत्रित आई मात्रया। लोगों को समझा मात्रया क्या होता है, मैत्रया करते हैं। ये जो मात्रया थी ये एक साथ आदिशक्ति नहीं हो सकती, और आदिशक्ति को उन्होंने कहा तो जरूर होगा कि प्राइमोर्डियल मदर, लेकिन जिन्होंने बाइबल को ठीक किया उन्होंने उसको होली घोस्ट बना दिया।
और उसके जगह एक कबूतर बना दिया, क्योंकि जिन्होंने बाइबल को ठीक किया उनको स्त्री जाति से बहुत नफरत थी और वो विश्वास ही नहीं कर सकती कि कोई स्त्री भी कोई ऐसा ऊंचा कार्य कर सकती थी। उस नफरत के कारण उन्होंने उसका रूप अजीब सा बना दिया, होली घोस्ट। और दूसरी बात कही कि वो एक कबूतर, कबूतर का मतलब है कि वो एक शांति की दूत हो, लेकिन स्त्री की बात ही नहीं कि वो कोई स्त्री होगी या नारी होगी। और अपने शास्त्रों में कहा गया है कि सहस्त्रारे महामाया, तो वो महामाया स्वरूप होंगी, लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। पहचानने के लिए भी आपको आत्म साक्षात्कार लेना पड़ेगा। अगर आपने आत्म साक्षात्कार नहीं लिया तो आप पहचान ही नहीं सकते। अपने जीवनी में उन्होंने जितना खुल कर कह सकते कहा, न जाने उसमें से कितनी बातें इन्होंने बताई और कितनी नहीं बताई और छुपा ली, तो भी कुछ कुछ सब उसमें प्रकट थे, उसको वो नहीं बदल सके। सहयोग के लिए ईसा मसीह का आना बहुत जरूरी था। वो स्वयं एक चिर बालक है और ये तो अब सिद्ध हो गया कि वो गणेश का अवतरण है। गणेश का अवतरण संसार में एक ही बार हुआ और वो ईसा मसीह के रूप। इन तीनों का कार्य, जिसे हम कह सकते हैं बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, जिस स्तर पे हुआ वो स्तर तपस्या, और इसलिए मूर्धा में, यहां विराट के मूर्धा में इन्होंने कार्य किया, और तीनों कार्य में तपस्या का वर्णन कि मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करके ही वो आज्ञा चक्र को भेद सकता है और बाहर जा सकता है। आज्ञा चक्र का भेद होना अत्यावश्यक था, नहीं तो उसके बगैर आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ ही नहीं सकती थी। आद्य चक्र का भेद ईसा मसीह के उत्थान से, रेजरेक्शन से हुआ। पहले उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनका उत्थान हुआ। सो हम लोगों के लिए एक बड़ा भारी संदेश ईस्टर में है कि ईसा मसीह के उत्थान के कारण ही हम लोगों ने इस उत्थान को प्राप्त किया। सबसे मुश्किल चक्र है इंसान में, मनुष्य में आज्ञा चक्र, क्योंकि मनुष्य हर समय सोचते रहता है, सोच सोच के उसके सर में एक मन की बुलबुले की स्थिति बन जाती है और उससे वो परे नहीं जा सकता, विचारों से परे नहीं जा सकता। जब आज्ञा का भेद होता है तभी आप विचारों से परे जाते हैं। इसलिए ये कहना चाहिए कि अगर ईसा मसीह ने अपने प्राण दे करके और आज्ञा से उत्थान नहीं किया होता तो सहयोग मुश्किल हो जाता। कार्य तो सभी अवतरणों ने किया अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी जगह, अपने अपने समय पर, लेकिन जो कार्य ईसा मसीह के उत्थान से हुआ ये बहुत ही कमाल की चीज थी। इसीलिए आज्ञा का खोलना कोई मुश्किल चीज नहीं, आज्ञा से ऊपर उठाना कोई मुश्किल चीज नहीं। जितने गुरु हो गए, बड़े बड़े महान गुरु, उन्होंने बहुत कार्य करे।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।